तो दोस्तों केदारनाथ ही नहीं तुंगनाथ में भी घोड़े खच्चर आपको मिल जाएंगे, और देखिए किस तरह से घोड़े खच्चर सवारियों को लेकर जा रहे हैं। तो गाइस अभी हमारे रास्ते पर पड़ा है छोटा सा चाय का टपरी, यहाँ पर हमने पिया चाय और अपने आप को थोड़ा सा कर लिया है गर्म। देखिए मैं सिगरेट पी रहा हूँ टाइप का, मेरे मुंह से भाप निकल रहा है, देख रहे हो आप, देख पा रहे होंगे दोस्तों। देखिए रास्ता काफ़ी फिसलन भरा है, जब कभी भी आप यहाँ पे आएंगे ना तो इस बाइक जरूर ले आइएगा। तो दोस्तों देखिए बाबा तुंगनाथ के दरबार में पहुँच गए हैं, और बाबा तुंगनाथ जी को तृतीय केदार के रूप में जाना जाता है, पंच केदार में से तृतीय केदार है बाबा तुंगनाथ जी। ये देखिए रोड इतना फिसलन भरा है कि लोग यहाँ पर फिसल फिसल कर उतर रहे हैं दोस्तों, गिर से जा रहे हैं। देखिए बिना स्पाइक के आना पर, ये देखिए दोस्तों लोगों को फिसलते जा रहे हैं। देखिए तो आप समझ ही सकते होंगे रास्ता यहाँ पर कितना खतरनाक है, और बिना ग्रिप वाले जूते और बिना स्पाइक के आना क्या हो सकता है। देखिए ये देखिए ये दोनों फिसलते ही चले जा रहे हैं, देखिए दोस्तों फिसलने के बाद भी इनके चेहरे पे खुशी देखिए हर हर महादेव। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल चलबो छत्तीसगढ़ में। आज हम दोस्तों रुके हैं सोनप्रयाग में, और सोनप्रयाग से हम यात्रा करने वाले हैं बद्रीनाथ टेंपल का। तो बद्रीनाथ का रास्ता होने वाला है बहुत ही खतरनाक, और देखने को मिलेगा वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन सीन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को और चलते हैं बद्रीनाथ की ओर। ये देखिए दोस्तों कितनी लंबी लाइन है लोगों की, लगभग 2 किलोमीटर लंबी लाइन है, और आप देख सकते हैं इन लोगों की लाइन को, ये भक्तों की भीड़ है। देखिए जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी भक्तों की लाइन। अभी चौपटा में, और चौपटा पर जाएंगे अभी हम, ऊपर जाएंगे अपन तुंगनाथ में, और तुंगनाथ है यहाँ का सबसे ऊंचा हिल स्टेशन, और वहाँ पर होगा -20 टेम्परेचर है दोस्तों वहाँ पर, आप देख रहे हैं सामने स्वागत द्वार बना हुआ है, और हम वहाँ पर अभी चढ़ेंगे। और तो दोस्तों देखिए यहाँ से हमारी यात्रा स्टार्ट हो रही है तुंगनाथ की, और लगभग 4 से 5 किलोमीटर तक की यात्रा हम करेंगे यहाँ से, और ये विश्व का सबसे ऊँचा एक पॉइंट है शंकर भगवान जी का मंदिर। देखिए किस तरह से मस्त स्वागत द्वार बना हुआ है, आप देख सकते हैं, और दर्शकों का भी आना जाना स्टार्ट है यहाँ पर, और ये पूरे उत्तराखंड में ये सबसे ऊंचा पॉइंट है, और पूरे विश्व में सबसे ऊंचा शिव जी का मंदिर भी तुंगनाथ में ही है, और ये हमारे उत्तराखंड में ही पड़ता है दोस्तों। आप मेरे साथ साथ चलिए, मैं आपको इस जगह के बारे में टोटल डिटेल वीडियो आपको मैं बताते जा रहा हूँ। तो दोस्तों केदारनाथ ही नहीं तुंगनाथ में भी घोड़े खच्चर आपको मिल जाएंगे, और देखिए किस तरह से घोड़े खच्चर सवारियों को लेकर जा रहे हैं। ये देखिए बेहद खुश दिख रहे हैं घोड़े खच्चर वाले भाई, पीछे जो नज़ारा देख रहे हो, जो सीनरी देख रहे हो, इसी को लोग देखने के लिए विदेशों की यात्रा करते हैं, जबकि विदेश खुश चलकर हमारे भारत में आ जाता है। आप जब भी विदेश जाने की सोचें तो सबसे पहले आप केदारनाथ आइए, अगर केदारनाथ भी नहीं आना है आपको तो आप उत्तराखंड आइए, उत्तराखंड टूरिज्म में आप घूमिए, देखिए पीछे का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत है। आप थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो आपको बर्फ़ के नज़ारे दिखेंगे दोस्तों। तो जब कभी आप विदेश जाने की सोचें तो सबसे पहले उत्तराखंड जरूर आइए।
यहाँ तक जरूर आता है, और जो नहीं आ पाता है वो बाद में वीडियो देखकर पछताता है कि मैं इस जगह में क्यों नहीं गया। क्योंकि अपने आप में है दोस्तों, अपने आप में बेहद सुंदर, खूबसूरत और मनोरम है दोस्तों। देखिए पीछे व्यू पॉइंट को, बेहद ही सुंदर दिख रहा है ना। तो आप जरूर आइएगा तुंगनाथ, और तुंगनाथ में चौपटा, चौपटा अपने बेहद ही खूबसूरत नज़ारों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। दोस्तों देखिए यहाँ से प्रकृति का ऐसा विहंगम दृश्य आपको देखने को मिलेगा कि ऐसा लगेगा जैसे मानो यहाँ से अब रोड ख़त्म हो जा रहा है, चिड़िया ख़त्म हो जा रही है। लेकिन आज जब आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको डायरेक्ट यहाँ से इतना सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा, प्रकृति भगवान जी का मंदिर देखने को मिलेगा दोस्तों। वो देखिए, वो आप देख सकते हैं दोस्तों, वो दूर देखिए वहाँ पर भगवान तुंगनाथ जी का मंदिर। तो गाइस अभी हमारे रास्ते पर पड़ा है छोटा सा चाय का टपरी, यहाँ पर हमने पिया चाय और अपने आप को थोड़ा सा कर लिया है गर्म। देखिए मैं सिगरेट पी रहा हूँ टाइप का, मेरे मुंह से भाप निकल रहा है, देख रहे हो, तो समझ सकते हो आप यहाँ पर टेम्परेचर कितना होगा। और मैं आपको क्या नज़ारा दिखाता हूँ, देखिए सारे गर्म कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, देखिए। और ये देखिए ये छोटा सा चाय का टपरी है, हमने पिया यहाँ पर चाय अभी। और देखिए भाई मस्त चाय वाय बना रहा है यहाँ पर, देखिए ये देखिए मस्त, पहले एडवांस दो फिर चाय लो, क्यों? अभी और कितना दूर बचा है यहाँ से? इतना का मतलब बताओ ना, आधा आधा। अच्छा तो इतना बचा है बोले भाई साहब ने, उतना ही जाना है हमें अभी। और ये देखिए चाय की टपरी में किस तरह से भीड़ लगा हुआ है, धुआंधार बारिश हो रही है यहाँ पर। और पीछे का व्यू आप देख सकते हैं दोस्तों, कितना जबरदस्त और शानदार है। और मैं इस गिरते हुए पानी पर ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो थोड़ा मेहनत तो लग रहा है दोस्तों, तो इस मेहनत के लिए आप कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है और मुझे पहली बार देख रहे हैं तो बता देता हूँ, मैं हूँ गिरधर और मेरे चैनल का नाम है चलबो छत्तीसगढ़। और यहाँ तक की यात्रा आसान नहीं है दोस्तों, जो बंदे यहाँ तक की चढ़ाई को हल्के में लेते हैं वो बहुत पछताते हैं, क्योंकि बिना सुविधा और साधन के साथ आते हैं यहाँ पर। चढ़ाई फिर से स्टार्ट हो गई हमारी। तो गाइस भगवान शिव के यूँ ही दर्शन प्राप्त नहीं हो जाते, आप पीछे देखिए, देखिए भगवान शिव का मंदिर है वहाँ पर। और हम यहाँ तक आने में काफ़ी मशक्क़त करना पड़ा है, और बर्फ़ का चादर तो आप देख ही पा रहे हो मेरे पीछे, और उधर देखिए खाई ही खाई है, और हमारे सुन्न हो गए हैं हाथ क्योंकि हम पहने ऑर्डिनरी ग्लव्स। तो ये ठंडी जगहों पर चलने के लिए ग्लव्स नहीं है दोस्तों, ये राइडिंग ग्लव्स है। और भगवान शिव को देखिए किस तरह से ऊपर विराजमान है, वहाँ देख सकते हैं। चलिए दोस्तों तो करवाता हूँ मैं आपको दर्शन भगवान शिव जी का, तो बने रहिए वीडियो पर। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, देखिए रास्ता काफ़ी फिसलन भरा है, जब कभी भी आप यहाँ पे आएंगे ना तो स्पाइक ज़रूर ले आइएगा, नहीं तो आपको काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। ये देखिए किस तरह से बर्फीला रास्ता है, और ऊपर देखिए, और उधर जाएंगे हम भगवान शिव जी के मंदिर, ये आगे पड़ेगा, देखिए ये देखिए रोड इतना फिसलन भरा है कि लोग यहाँ पर फिसल फिसल कर उतर रहे हैं दोस्तों, गिर से जा रहे हैं। देखिए बिना स्पाइक के आना बेहद खतरनाक है यहाँ पे, ये देखिए, ये देखो, देखिए 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 देखिए, बेहद ही जबरदस्त लोग फिसलते ही जा रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों लोगों को फिसलते जा रहे हैं, देखिए तो आप समझ ही सकते होंगे रास्ता यहाँ पे कितना खतरनाक है, और बिना ग्रिप वाले जूते और बिना स्पाइक के आना क्या हो सकता है। देखिए ये देखिए ये दोनों फिसलते ही चले जा रहे हैं, देखिए दोस्तों
फिसलने के बाद भी इनके चेहरे पे खुशी देखिए। हर हर महादेव। आज दोस्तों यहाँ पर लोगों का धैर्य दिख रहा है, बाकी समय लोग बाकी बहुत हड़बड़ी में रहते हैं। जीवन में आज यहाँ पर लोग अपने धैर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं, देखिए, क्योंकि रोड को आप देख सकते हैं, देखिए 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 किस तरह से फिसल रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए, तो काफी धैर्यशील हो जाता आदमी यहाँ पर आने के बाद। ये देखिए, हो सकता है मैं भी फिसल जाऊं, अलग मजा है, बोलो ना। तो आप देख ही सकते हैं दोस्तों किस तरह से खतरनाक है ये रोड। ये दोस्तों, ये रास्ता जाएगा भगवान तुंगनाथ जी का मंदिर, जो कि सामने ही है, और अपन ये रास्ते से जाएंगे तो यहाँ पर पड़ेगा चंद्रशिला, जो कि 1 किलोमीटर है, और हमारा तन बदन मन सारा जवाब दे चुका है कि मत जाओ, और काफ़ी ठंड भी है, और रास्ता को आप देख रहे हो कितना डेंजरस है, तो हम वहाँ भी नहीं जाएंगे। हम जाएंगे भगवान तुंगनाथ जी के दरबार में, और यही हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। तो आइए करते हैं अंदर दर्शन भगवान तुंगनाथ जी का। तो दोस्तों देखिए, बाबा तुंगनाथ के दरबार में पहुंच गए हैं, और बाबा तुंगनाथ जी को तृतीय केदार के रूप में जाना जाता है, पंच केदार में से तृतीय केदार हैं बाबा तुंगनाथ जी। देखिए, पहुँच गए हम भगवान तुंगनाथ जी के दरबार में। अब यहाँ पर शूज रिमूव करना होगा, समझ सकते हैं क्या हालत होने वाली है अभी। ये देखिए, अभी यहाँ हम करेंगे शूज रिमूव और चलेंगे अंदर बाबा तुंगनाथ जी के दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर भगवान श्री तुंगनाथ जी का मंदिर है, जहाँ हम अंदर अभी फोटोग्राफी नहीं कर सकते, मना है वहाँ पर। और आप अंदर देखिए दोस्तों, और भी बहुत सारे मंदिर हैं। ये महानंदा जी का मंदिर है, इसको तो आप देख ही सकते हैं, ये देखिए। और आगे और भी मंदिर आपको मैं दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखिए, लाइन से पंच केदार है यहाँ पर, देखिए दोस्तों, ये देखिए। और ये देखिए भैरवनाथ जी, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में एक भैरव जरूर होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये देखिए। और मैं खाली पैर चल रहा हूँ दोस्तों, देखिए बर्फ़ है और पैर सुन्न हो चुका है। और उधर है भोगशाला, आप रसोई घर बोल सकते हैं उसको, ये देखिए। और यहाँ से देखिए बेहद ही सुंदर नज़ारा है, और भगवान तुंगनाथ जी का मंदिर जो है, देखिए भगवान तुंगनाथ जी का जो मंदिर है दोस्तों, पूरे विश्व में सबसे ऊंचे स्थान पर बसा शिव जी का मंदिर है दोस्तों। तो देखिए, सबसे ऊंचा शिव का स्थान भगवान तुंगनाथ जी का मंदिर। तो दोस्तों, वीडियो को मैं करता हूँ यही समाप्त। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा और शेयर भी करेगा, ताकि बाकी लोगों को भी इस जगह के बारे में पता चल सके। और वहाँ से हम गए थे, वहीं से वापस आए हैं। जाने और आने का केवल एक ही रास्ता है यहाँ पर, उसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। जितना जल्दी शाम हो सके वापस आ जाइए, क्योंकि ऊपर जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है दोस्तों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरे वीडियो में आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। आपका एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेशन देता है दोस्तों। तो करते हैं वीडियो को बाय। ओके, गलत।